इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड 9 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें बानी क्लास में दिखाई देती है और उसने एक विजन देखा होता है जहां उसे एक लड़की जंगलों की तरफ एक सेमेट्री में लेकर जाती है और उससे हेल्प करने की बात करती है। बानी उससे पूछती है कि वो कौन है और उससे क्या चाहती है। वो लड़की अपना नाम एमिली बताती है और ये सुनते ही बानी एकदम से शॉक्ड होकर के उठ जाती है। बानी खुद को क्लास में देखती है और वहीं हम देखते हैं कि क्लास में उनका नया हिस्ट्री टीचर आया होता है जो कि उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करता है। हिस्ट्री टीचर क्लास से जाते टाइम जेरेमी को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने कम क्यों हैं। जेरेमी कुछ नहीं बोलता, तभी वो उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे तरीके बताऊंगा तुम्हारे ग्रेड्स को बढ़ाने के। एलारिक जो कि नया हिस्ट्री टीचर है, वो जेरेमी से कहता है कि वो उसे नए प्रोजेक्ट्स देगा हिस्ट्री के बारे में जिसे वो कंप्लीट करने पर अपने ग्रेड्स अच्छे करवा सकता है। जेरेमी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं जेरेमी एलारिक के हाथ में एक रिंग देखता है और उससे बोलता है नाइस रिंग। एलारिक कहता है कि हाँ ये उसके फैमिली का हिस्सा है और फिर हमें पता चलता है एलारिक ने भी वैसी ही रिंग पहन रखी होती है जैसी स्टीफन और डेमन पहनते हैं और हमें समझ में आता है कि ये रिंग वैम्पायर्स के साथ किसी तरह से कनेक्टेड है। इन सबके बाद में वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी दूसरे सीन में हमें दिखते हैं कि स्टीफन कॉलेज और एलिना दोनों को छोड़कर वहां से जाना चाहता है। स्टीफन का मानना था कि वो एलिना की लाइफ में बैड लक लेकर के आया है जिससे उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखता है बानी अपने घर जा रही होती है, तभी डेमन उसका पीछा करता है। डेमन बानी से वो नेकलेस मांगता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे ये नेकलेस छीन नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे मुझे दे सकती हो। बानी उसे नेकलेस देने से मना कर देती है, लेकिन तभी डेमन उससे कहता है कि क्या तुम्हें एमिली से पीछा नहीं छुड़ाना है। ये बात सुनते ही बानी काफी शॉक्ड हो जाती है और वो डेमन से पूछती है कि उसे एमिली के बारे में कैसे पता। डेमन उससे कहता है कि वो एमिली के बारे में सब कुछ जानता है और अगर तुम उसे वो रिंग दे दो तो वो एमिली तुम्हें हॉन्ट करना बंद कर दे। बानी डेमन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती है और वहां से सीधे गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए चली जाती है। बानी के साथ एलिना भी उसके घर जा रही होती है। वहीं एलिना बानी से पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। बानी एलिना को डेमन के बारे में बताती है। वहीं एलिना बानी से कहती है कि उसे डेमन से दूर रहना चाहिए और उससे बात नहीं करनी चाहिए। बानी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है। वो एक जगह पर अपनी कार को रोकती है और उस नेकलेस को निकालती है और जंगल में फेंक देती है। बानी कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता उसकी ग्रैम्स उससे क्या कहे, लेकिन वो अब ये नेकलेस अपने पास नहीं रखेगी क्योंकि उसे और ज्यादा हॉन्ट नहीं होना है। इसके बाद वो गुस्से में गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं एलिना बानी को शांत करने के लिए उससे कहती है कि क्या तुम रात में गर्ल्स नाइट आउट के लिए हमारे साथ रहोगी, और वो उसे ऑफर करती है कि वो बानी और कैरोलाइन एक साथ गर्ल्स नाइट आउट करेंगे। बानी इस बात पर एग्री हो जाती है और गर्ल्स नाइट आउट के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां एलिना स्टीफन को बुलाती है और उससे एक फेवर मांगती है। एलिना स्टीफन से कहती है कि वो जानना चाहती है कि डेमन बानी के पीछे उस क्रिस्टल को लेकर क्यों पड़ा हुआ है। वहीं डेमन कहता है कि ये क्रिस्टल कैथरीन को बिलोंग करता है जिस वजह से शायद डेमन बानी के पीछे पड़ा हुआ है। स्टीफन एलिना से कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा ये जानने के लिए कि डेमन उस क्रिस्टल को लेकर क्या करना चाहता है, और वो कहता है कि जैसे ही उसे कुछ पता चलता है वो एलिना को जरूर बताएगा। दूसरे ही सीन में हमें देखने को मिलता है जहां पर जेरेमी और उसकी आंट जेना मिस्टिक ग्रिल्स में डिनर कर रहे होते हैं। वहीं उनका हिस्ट्री टीचर भी होता है और वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। एलारिक और आंट जेना आपस में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ा अट्रैक्टिव दिखते हैं जिससे जेरेमी उनको इग्नोर करने लगा है। एलारिक जेना से बताता है कि उसकी शादी जल्दी हो गई थी और उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। वहीं आंट जेना भी बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसने उसको चीट करके छोड़ दिया। दोनों के बीच में बातें ज्यादा बढ़ जाती हैं और दोनों अकेले में जाकर बात करने लगते हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां स्टीफन डेमन को इंप्रेस करके उससे दोस्ती बढ़ाना चाहता है ताकि वो उससे सारी बातों को पता कर सके। वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं, कॉफी पीने जाते हैं और स्टीफन डेमन के साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जिससे वो दोनों काफी फ्रेंडली हो जाते हैं और डेमन कुछ बातें स्टीफन को बताने लगता है। डेमन स्टीफन से कहता है कि उसका एक प्लान है। स्टीफन कहता है कि वो प्लान क्या है। डेमन उसे बताता है कि वो कैथरीन को वापस लाना चाहता है। डेमन जैसे ही ये बात बोलता है स्टीफन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो डेमन से पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है क्योंकि कैथरीन तो मर चुकी है। डेमन उससे कहता है कि 1964 में जब सारे वैम्पायर्स को चर्च में डाल
डालकर आग लगा दी गई थी। तभी उसने एमिली के साथ एक डील की थी और कहा था अगर वो कैथरीन को बचा ले तो डेमन एमिली को और उसकी पूरी फैमिली को गांव वालों के अटैक से बचा लेंगे। एमिली डेमन की बात सुनकर कैथरीन को ले जाती है चर्च के नीचे वाले एक डोम में, जिसके डोर को ओपन करके वो कैथरीन को अंदर डाल देती है और मैजिक से डोम के डोर को लॉक कर देती है। वहीं हमें देखने को मिलता है डेमन स्टीफन से बताता है कि अब उसे बस उस कॉमेट के आने के इंतजार में रहना है। जैसे ही वो कॉमेट गुजरेगा एमिली का नेकलेस फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगा, जिससे वो डोर ओपन करके कैथरीन को बाहर ले आएगा। ये बात सुनकर स्टीफन को समझ में आ जाता है कि ये प्लान डेमन काफी पहले से बना रहा था, इसी वजह से उसने क्रिस्टल को पहले से ही अपने पास रखा था और वो बस कॉमेट के आने का इंतजार कर रहा था। डेमन स्टीफन को बताता है कि उसने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया और एमिली और उसकी फैमिली को गांव वालों से बचा लिया, जिसके रिजल्ट में आज बानी जिंदा है और एमिली बानी की ही एंसेस्टर्स में से एक है। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जहां बानी, कैरोलाइन और एलिना नाइट आउट के लिए एलिना के घर आए होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं कैरोलाइन बानी से उस नेकलेस के बारे में पूछती है। बानी उससे कहती है उसने वो नेकलेस फेंक दिया है, लेकिन तभी कैरोलाइन की नजर पड़ती है बेड के दूसरी तरफ जहां वो नेकलेस रखा होता है। कैरोलाइन बानी से कहती है कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, नेकलेस तो यहीं पर है। वो नेकलेस को देखते ही बानी और एलिना बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद बानी कैरोलाइन को अपने विच होने के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। कैरोलाइन को ये सुनकर ज्यादा सरप्राइज्ड फील नहीं होता है। कैरोलाइन उससे कहती है कि हमें एमिली से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे बानी उससे कहती है कि वो जानती है ये कैसे करना है। वो सभी एलिना के कमरे में जाते हैं और कैंडल्स जलाकर हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। वो तीनों एमिली को बुलाने की कोशिश करते हैं और एमिली से कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर है तो उन्हें कोई सिग्नल दे। उनका इतना बोलते ही वहाँ रखी हुई कैंडल्स की लाइट काफी तेज हो जाती है। वो फिर से बोलती हैं कि हमें एक दूसरा सिग्नल भी चाहिए, जिससे वहाँ के सारे विंडोज लॉक हो जाते हैं और कैंडल्स बंद हो जाती हैं। पानी ये देखकर डर जाती है और नेकलेस को फेंक देती है। नेकलेस वहाँ से गायब हो जाता है और वो तीनों मिलकर नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। वो तीनों पूरे घर में नेकलेस को ढूंढते हैं। वहीं पानी को नेकलेस बाथरूम में पड़ा हुआ दिखाई देता है। पानी जैसे ही बाथरूम के अंदर जाती है और नेकलेस उठाती है, बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। कैरोलाइन और एलिना भागते हुए वहां आते हैं, लेकिन तब तक बानी काफी जोर से चिल्ला रही होती है और एकदम से उसका चिल्लाना बंद हो जाता है। बानी बाथरूम से बाहर आती है और उनसे कहती है आज के लिए हमें बस इतना ही करना चाहिए, और बानी सीधे अपने घर जाने लगी है। कैरोलाइन और एलिना उसे काफी बुलाते हैं, लेकिन बानी उनकी एक भी बात ना सुनते हुए सीधे वहां से चली जाती है। एलिना को डाउट हो गया होता है कि शायद से बानी की बॉडी को किसी ने पोजेस कर लिया है। एलिना पीछे से चिल्लाती है एमिली। ये सुनते ही बानी पीछे मुड़ती है और कहती है जो शुरू किया गया था उसे वो खत्म करना होगा, और इतना कह के एमिली वहां से चली जाती है। तभी एलिना उसका पीछा करती है, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाती। इतना होने के बाद एलिना काफी डर चुकी होती है और वो सीधे स्टीफन को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। एलिना स्टीफन से कहती है कि शायद से वो जानती है बानी कहां जा रही है, और एलिना स्टीफन को बताती है बानी शायद जंगल के बीच में सेमेट्री के पास वाले ओल्ड चर्च में जा रही है। स्टीफन और एलिना वहां के लिए निकल जाते हैं। वहीं ये बात सुनते ही डेमन स्टीफन से पहले वहां से भाग जाता है और एमिली के पीछे आता है। डेमन एमिली के पास आता है और उससे उस क्रिस्टल की मांग करता है। तभी स्टीफन भी वहां पहुंच जाता है और स्टीफन उससे कहता है कि यहां क्या चल रहा है। एमिली उसे बताती है कि डेमन कैथरीन के साथ पूरे 27 वैम्पायर्स को डूम से निकालकर सिटी में छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुनकर स्टीफन काफी गुस्से में हो जाता है और डेमन से कहता है कि उसने उसे इस प्लान के बारे में कभी नहीं बताया। एमिली उससे कहती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी, लेकिन तब जब सिर्फ कैथरीन बाहर आए और बाकी वैम्पायर्स नहीं। लेकिन डेमन इस बात से एग्री नहीं करता और एमिली अपना प्रॉमिस तोड़ देती है और साथ में ही वो उस क्रिस्टल को भी तोड़ देती है। क्रिस्टल को तोड़ते ही कैथरीन के बाहर आने के चांसेस लगभग खत्म हो चुके होते हैं और ये देखते ही डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। क्रिस्टल के टूटते ही एमिली बानी की बॉडी को रिलीज कर देती है और ये देखते ही डेमन गुस्से में बानी के ऊपर अटैक करके उसे बाइट कर लेता है। डेमन लगभग उसे मार ही देता है, लेकिन तभी स्टीफन उसे बचाता है और बानी को अपना ब्लड देता है। स्टीफन का ब्लड बानी को देते ही बानी बहुत ही तेजी से हील होने लगती है और कॉन्शियस हो जाती है। बानी स्टीफन को देखकर डर जाती है, लेकिन स्टीफन उससे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा और वो शांत रहे, और वो पूरी तरीका से हील हो चुकी होती है। एलिना बानी से कहती है कि वो घर चलकर उसको सारी बातें समझाएगी। बानी
अलीना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी स्टीफन अलीना से कहता है कि अब वो उसे छोड़कर यहाँ से जाने वाला है। अलीना ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है और स्टीफन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीफन कहता है कि उसका उसके साथ रहना ठीक नहीं है। तभी अलीना बानी को लेकर अपने घर चली जाती है और वहीं अलीना बानी को सारी बातों के बारे में सारी सच्चाई बता देती है, जिससे वो दोनों रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मैट और कैरोलाइन बेड पर दिखते हैं। उसी तरफ दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है आंट जेना का एक्स बॉयफ्रेंड लोगन उनके घर आया हुआ होता है और वो आंट जेना से अंदर आने की परमिशन मांगता है। आंट जेना उसे मना कर देती है और लोगन दरवाजे पर ही मुस्कुराते हुए खड़ा रह जाता है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 9 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के